मुमरा कौसा में एक दिन ऐसा भी आया कि पूरे मुमरा कौसा में चारों तरफ हाहाकार मच गया। वो साल था, वो महीना था 4 मई 2016। उस दिन 300 पुलिस बल के साथ एक तरफ से रोड वेंडिंग किया गया, सिर्फ इसलिए कि ट्रैफिक की समस्या हल हो सके। लेकिन आज भी समस्या बरकरार है। ये वही पुरानी तस्वीर है, आखिर कब मिलेगी ट्रैफिक की समस्या से निजात, ये सवाल आज भी बना हुआ है। रॉ टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए थाने महानगर पालिका के कमिश्नर, यानी जो इसके पहले कमिश्नर रहे संजीव जायसवाल, ने मुमरा कौसा में रोड वेंडिंग किया था। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए कार्रवाई 4 मई 2016 में हुई थी, और जिस वक्त ये कार्रवाई मुमरा कौसा में हुई उस वक्त शहर के जिम्मेदार नेता व प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे। किसी तरह से शांत हुआ और इस कार्रवाई में हजारों की तादाद में दुकान मकान तोड़े गए, जिसके बाद प्रशासन ने काफ़ी हद तक लोगों को शिफ्टिंग दिया है और बाकी के दुकानदार बचे हुए ज़मीन पर अपना दुकान वापस बना लिए, और कुछ लोगों को अभी भी दुकानें नहीं मिल पाई हैं, वो आस लगाए बैठे हैं। बहरहाल हम बताना ये चाहते हैं, रोड वेंडिंग को आज लगभग 4 साल पूरे होने को है। मकसद कार्रवाई का वही था, मुमरा कौसा वासियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाना। लेकिन इस कार्रवाई के बाद रोड काफ़ी चौड़ा तो हो गया है, मगर समस्या जस के तस है। उन जगहों पर कार पार्किंग किया गया है, गाड़ियां पार्किंग की जा रही हैं, कुछ जगहों पर रोड वेंडिंग करना अभी बाकी है, जो आज से फिर शुरू किया गया है रोड वेंडिंग की। ये दूसरी तस्वीर है जो मित्तल ग्राउंड के पास राजीव गांधी हॉकर्स के बगल में शौचालय को तोड़ा गया है, यानी जमींदोज किया गया है। मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर कौसा इलाके तक 3 शौचालय हैं, जिनमें से आज एक शौचालय मित्तल के पास की जमींदोज कर दी है और मेक कंपनी के पास बनी शौचालय को तोड़ना बाकी है। बहरहाल इस रोड वेंडिंग में कई बिल्डिंग भी आती हैं, मगर उन्हें नहीं तोड़ी जाएगी क्योंकि TMC के पास शिफ्टिंग के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा, यानी जिग जैग की शक्ल में दिखेगी मुमरा कौसा की सड़कें। हम बात करते हैं धनंजय गोस्वामी की। इस पूरे मामले में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा है, और उन्होंने दावा किया है रोड वाइंडिंग का जो रुका हुआ काम है, किसी कारण वो रुका है, 6 महीने में पूरे कर देंगे। सुनिए धनंजय गोस्वामी की जुबानी, उन्होंने क्या कहा है। एक बता देता हूँ, ये रोड वाइंडिंग में टॉयलेट का काम आ रहा था, बारिश चालू हो गई तो अपन इसको रुक गए। अभी जैसा बारिश कम हो गई और रोड वाइंडिंग का काम बहुत दिन से पेंडिंग था लॉकडाउन की वजह से, अभी आज से लॉकडाउन का काम चालू, लॉकडाउन कम हो गया तो अपन ये अभी रोड का वाइंडिंग का काम चालू कर रहे हैं। उसमें से पहला ये टॉयलेट था तो वो टॉयलेट अपन तोड़ दिया। आपको लगता है इसके बाजू में एक टॉयलेट है, ये जो मित्तल का मार्केट बैठा है वो रेड कलर का गुलाबी कलर का जो टॉयलेट है, G+1 का टॉयलेट है, तो उसके लिए जो जो रोड वाइंडिंग में हमारा जो DP है, जिधर पॉसिबल है बिल्डिंग छोड़ के, एक बिल्डिंग छोड़ के जिधर पॉसिबल है उतना जगह हम ले रहे हैं रोड के लिए, ऐसा वो रोड के DP के अंदर एक टॉयलेट आ रहा था, उसको तोड़ने का काम हमने कर दिया। फिलहाल 6 महीने का वादा किया है और जिग जैग की तरह सड़कें दिखेंगी, 4 साल पूरे होने को है, और अब देखना ये है क्या 6 महीने में पूरा हो पाता है या नहीं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।